उपायुक्त रमेश घोलक की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के तहत विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर जल गुणवत्ता विषय पर जिला स्तरीय संवाद कार्यशाला का आयोजन हुआ। समानालय के सभागार में आयोजित हुई इस कार्यक्रम में उपायुक्त समेत अपर संभारता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा, सिविल सर्जन तथा विधायक प्रतिनिधि स्वास्थ्य कंचन साहू उपस्थित थे, जिन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जल की गुणवत्ता के विषय में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जल का संरक्षण और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना अपने आप में ही एक गंभीर विषय है और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह हमारी प्राथमिकता भी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जल दिवस की थीम ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजुअल विजुअल है, यानी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। इस साल विश्व जल दिवस की थीम के अनुसार हमारी जिम्मेदारी भूजल को खोजना, बचाना और ठीक तरह से उसका इस्तेमाल करना है। उपायुक्त ने जिले वासियों को अनावश्यक पानी बर्बाद न करने तथा वर्षा के जल का संचरण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस सोच को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। सिर्फ जिला प्रशासन के प्रयास मात्र से ही नहीं, बल्कि हम सभी के सामूहिक प्रयास और सहयोग से ही हम एक बेहतर वर्तमान का निर्माण करने में सफल होंगे तथा भविष्य में आने वाले जल संकट से बच सकेंगे। मौके पर जल जीवन मिशन अंतर्गत जल गुणवत्ता निगरानी एवं अनुश्रवण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जल सहयाओं को प्रशस्ति पत्र, सॉल तथा जल जांच हेतु फील्ड टेस्टिंग किट देकर उपायुक्त के द्वारा सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त श्री रमेश घोलप के अलावा अपर संभारता श्री पंकज कुमार सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी दिनेश सुरीन, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा प्रदीप कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश कुमार, विधायक प्रतिनिधि स्वास्थ्य कंचन साहू, यूनिसेफ प्रोग्राम मैनेजर, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई जल सहिया समेत अन्य उपस्थित थे।